बड़ी खबर आ रही है क्रिमिया के पास। यूक्रेन को बहुत बड़ी चोट लगी है। रूसी सेना में यूक्रेन की पेट्रोल बोट तबाह हो गई है। रूस की ब्लैक सी फ्लीट का ऑपरेशन हुआ है जिसमें रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। यूक्रेन में जानकारी जो मिल रही है कि वो पेट्रोल बोट तबाह हुई है और साथ ही इन्फॉर्मेशन ये है कि रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने ये कारनामा किया है। और इस ऑपरेशन में रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो ये कि रूसी हमले में यूक्रेन की पेट्रोल बोट तबाह हो गई है। ये इस वक्त की सबसे अहम खबर है। इधर आपको जानकारी दे दें कि 24 घंटे बाद भी यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। पुतिन के प्रतिशोध की अग्नि में यूक्रेन के दर्जनों शहर धधक रहे हैं। इधर रूस ने बॉम्बर के बाद अपने 30 अटैक हेलीकॉप्टर्स को वॉर ग्राउंड में उतार दिया है और रूस के निशाने पर इस वक्त 3 प्रांत हैं जहां बीते 24 घंटे में रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से 100 से ज्यादा हमले किए हैं। मगर सवाल है कि 2023 के आखिरी दिनों में रूस इतना आक्रामक क्यों हो गया है? आखिर इसके पीछे पुतिन की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। तारीख बदल चुकी, दिन बदल चुका है। कुछ नहीं बदला तो वो है यूक्रेन के शहरों में होते धमाके। चौबीस घंटे बीत जाने के बाद भी यूक्रेन की जमीन धड़क रही। रूसी हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट यूक्रेनी शहरों पर बारूद बरसा रहे हैं। ब्लैक सी से दागी जा रही क्रूज मिसाइलें ओडेसा को राख बना रही। यूक्रेन पर हुए रूसी हमलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आखिर नए साल से पहले रूस आक्रामक क्यों है और यूक्रेन में कहां कितनी तबाही मची है, उसकी सबसे पुख्ता और विश्वसनीय रिपोर्ट आपको देंगे। मगर उससे पहले कुछ यूक्रेनी शहरों का हाल देख लीजिए। ये तस्वीरें निप्रो शहर की, जहां सुबह के वक्त लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे कि अचानक आसमान से एक मिसाइल गिरी जिसके बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। ये कीव की तस्वीरें, जहां एक मॉल के सामने मिसाइल गिरी जिसके बाद हर तरफ तबाही के निशान नजर आने लगे। यूक्रेन का ओडेसा भी रूसी हमलों से धधक उठा। तबाही की ये तस्वीरें ओडेसा में मौजूद एक अपार्टमेंट के ठीक बाहर की हैं। लवीव में भी रूस की वायुसेना ने KH-101 मिसाइलें दागकर कोहराम मचाया। यूक्रेनी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी हमलों में शाम 5 बजे तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 200 नागरिक भी जख्मी बताए गए हैं। रूस ने यूक्रेन की सैन्य इमारतों, पावर हाउस और अस्पतालों को निशाना बनाकर हमले किए हैं। दरअसल 28 सितंबर को पुतिन ने कीव सहित यूक्रेन के 4 प्रांत पर हमले का ऑर्डर जारी किया था, जिसके बाद से ही रूसी सेना आक्रामक है और लगातार हमले कर रही है। बीते 48 घंटों में रूस ने यूक्रेन पर 122 से ज्यादा मिसाइलें दागी। रूस के इस बारूदी प्रहार के सामने अमेरिका के पेट्रियट डिफेंस सिस्टम ने भी घुटने टेक दिए हैं। ये दावा खुद यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता ने किया है। दावे के मुताबिक रूसी हमले के आगे यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है। रूसी मिसाइलें अमेरिकी पेट्रियट पर भारी पड़ रही हैं। अमेरिका पेट्रियट KH-22 मिसाइलों को रोकने में फेल हो गया है। साफ, अमेरिका के हथियार रूस के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। ऐसे में रूसी हमले अब बेलगाम हो चुके हैं और यूक्रेन बेबस।
यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमले आज भी जारी हैं। 29 दिसंबर को रूस ने यूक्रेन पर 87 मिसाइलें दागी थी, वहीं आज 35 मिसाइलों से हमला किया है। कल रूस ने यूक्रेन पर 27 ड्रोन हमले किए थे, आज रूस ने ड्रोन अटैक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटे में रूस ने 60 ड्रोन दागे हैं। कल यूक्रेन के कुल 4 प्रांतों को मिसाइल और ड्रोन से टारगेट बनाया गया है, वहीं आज 3 प्रांतों पर हमले किए गए हैं। 29 दिसंबर को रूस ने हमलों के लिए 10,000 करोड़ के हथियार इस्तेमाल किए। आज के आंकड़े आने अभी बाकी हैं। आपको लेकिन साथ ही ये भी बता दें अब कि रूस ने हमले के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल किया है। 29 दिसंबर को यूक्रेन के शहरों पर ईरान में बने शाहिद 136 और शाहिद 131 ड्रोन से हमले किए गए थे। आज शाहिद के साथ सीरियस और ओरियन 2 ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है, और इसके साथ ही ब्लैक सी फ्लीट से KH-22 और KH-101 क्रूज मिसाइलें भी दागी गई हैं। कल रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव, ओडेसा, निप्रो, खार्की, लवी, जेपोरिजिया, सोलोमेंस्की, निप्रोपेत्रोवर्स्क, कोलोटो, सुमी और खमेलनित्स्की को टारगेट किया, जबकि 30 अक्टूबर को रूस के टारगेट पर ओडेसा, निप्रो, जेपोरिजिया, निप्रोपेत्रोवर्स्क और खार्कीव रहे। ये वो शहर हैं जिन पर रूस ने ताजा हमले किए हैं। इस वक्त रूस का प्राइमरी टारगेट डोनेस्क है। यहाँ रूसी वायुसेना के Mi-28 हेलीकॉप्टर कई घंटों से हमले कर रहे हैं, यूक्रेन आर्मी के टैंक और तोपों को तबाह कर रहे हैं। डोनेस्क में रूस के 30 से ज्यादा Mi-28 हेलीकॉप्टर बमबारी कर रहे हैं। आसमान से अनगाइडेड मिसाइलें दागी जा रही हैं। रूस ने डोनेस्क में 5 यूक्रेनी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, वहीं 12 टैंक और 15 होवित्जर तोपें जलकर खाक हो चुकी हैं। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अवदिवका पहुंचे। उन्होंने अवदिवका में मौजूद यूक्रेनी हेडक्वार्टर में अपने कमांडर्स से बात की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। रूस डोनेस्क से कुछ किलोमीटर दूर पूर्वी शहरों को घेरने की कोशिश कर रहा है, इसलिए डोनेस्क में रूस के हेलीकॉप्टर यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं, जिससे रूस की ग्राउंड फोर्स तेजी से आगे बढ़ सके और यूक्रेन के शहरों पर कब्जा कर सके। मगर सवाल है कि अचानक रूस यूक्रेन पर इतना आक्रामक क्यों हो गया है? उसके इन हमलों का मकसद क्या है? रूस के आक्रामक रवैये के पीछे है नाटो के खत्म हो रहे हथियार। रूस ये जानता है कि यूक्रेन के पास लड़ने के लिए अब ज्यादा हथियार नहीं बचे हैं। यूनाइटेड नेशन में रूसी प्रतिनिधि ने कहा कीव यूक्रेन के मैदान में और नहीं लड़ सकता, उसके पास संसाधन खत्म हो चुके हैं, वो युद्ध में यथास्थिति बनाए रखने में भी सक्षम नहीं। यूक्रेन और उसके सहयोगियों की सभी योजनाएं विफल रही। बहुत जल्द बुरी खबर सुनने के लिए तैयार रहें। कुछ ऐसा ही दावा रूसी राजनयिक कॉन्स्टेंटिन गैवरिलोव ने भी किया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा यूक्रेन के हथियार खत्म हो चुके हैं, नाटो और अमेरिका के हथियार डिपो खाली है, इसलिए पश्चिम से अब बेहद कम हथियार आ रहे हैं, अब यह आपूर्ति बढ़ने वाली नहीं है। रूस जानता है कि यूक्रेन के पास अब लड़ने के लिए बेहद कम हथियार बचे हैं। अमेरिका और नाटो से भी उसे खास मदद मिलने वाली नहीं है। ऐसे में यूक्रेन पर जीत को लेकर रूस आत्मविश्वास से भर चुका है। पुतिन ने यूक्रेन फतह के आखिरी प्लान को हरी झंडी दे दी। हालांकि यूक्रेन अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन ने अपने बचे हुए डिफेंस सिस्टम को रिहायशी इलाकों में तैनात कर दिया है और रूस पर पलटवार की कोशिश कर रहा है। यह ब्रयांस्क की तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेन ने एक ऑयल टैंकर को उड़ा दिया। ब्रयांस्क में ही यूक्रेन ने एक रेडियो फैक्ट्री को तबाह कर दिया। दावा है कि यह फैक्ट्री रूसी सेना से जुड़ी।
नोवी उरेंगाई में भी यूक्रेन ने एक बॉयलर फैक्ट्री को उड़ा दिया। साफ है कि यूक्रेन पलटवार की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन रूस के लिए ये हमले दिवाली के पटाखों से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि रूस को यूक्रेन फतह का खुला मैदान साफ साफ दिख रहा है और अब वो रुकने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।